चारों बगल तो ब्राह्मणवादी है, ब्राह्मणों का एजुकेशन सिस्टम है, वो हम लोगों को कभी भी ना कहाँ पे सोचना है, कहाँ पे क्या करना है वो सिखाता ही नहीं है। हमेशा हम लोगों को ऐसी चीजें वो सिखाएगा जो जिसका ना कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता है, जो गुणवत्ता वाली बात होती है वो नहीं आएगा। नाम स्वर में अक्षरों में लिखा जाएगा सर, मैं तो मानता हूँ सर। मुझे जो है इस बात का काफी मतलब मैं अपना गर्व कह सकता हूँ कि आप अब भाई ये कहूँ मतलब खुशी से कहूँ या फिर किस चीज से कहूँ तो समझ में मुझे आ नहीं रहा है। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत में कई ऐसे छोटे भी नेता है और बड़े भी नेता है जो आप नमो बुद्धाय। साथियों स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। साथियों आप सभी ने एक बात गौर किया होगा, जब भी कोई फेस्टिवल होती है उसमें दंगे फसाद होना तो आम बात हो गया है। जिसे चाहे जो चाहे कुछ भी कर सकता है, मन तो बहुत दुखता है पर हम और आप क्या ही कर सकते हैं। जब तक जागरूक नहीं होंगे हम हमेशा यूं ही दंगे फसाद में कुचले जाएंगे। साथियों एक बात हमेशा याद रखें, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, क्योंकि गरीब और अमीर दोनों की पढ़ाई में समता होनी ही चाहिए। समता के बिना कोई समाज नहीं। अगर हमारी पढ़ाई में समानता होगा तभी हम गरीब भी अमीर के बराबरी कर सकते हैं, अन्यथा गरीब कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि आधी रोटी खाकर जीवन व्यतीत तो कर सकते हैं लेकिन आधा अधूरा पढ़ाई से हमारा भविष्य कभी नहीं बदल सकता। साथियों एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे लोगों को ही आपस में लड़ाया जाता है। इसलिए आप सभी SC ST OBC वाले से अपील है कि आप सभी किसी प्रकार के दंगे फसाद से खुद को दूर रखें। जब धर्म बचाने की जरूरत थी तब हमें अछूत पिछड़ा बना बायकट किया गया और कागज के पन्नों पर काल्पनिक कहानियों में ईश्वर अवतार भी लेता रहा ताकि धर्म यानी ब्राह्मणों का ब्राह्मणवाद बचाया जा सके। ऐसे में अगर ब्राह्मणों के ग्रंथ सही है तो परशुराम 22वीं बार आ जाएगा या फिर कोई विष्णु अवतार ले लेगा। टेस्टिंग भी हो जाएगी कि ब्राह्मण ग्रंथों में लिखी ईश्वर और धर्म की बातें कितनी सही है। हमें बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुरूप चलना है। मैं फिर से कह रही हूँ कि SC ST OBC पूरी तरह से दंगे फसाद से दूर रहे, शिक्षा पे ध्यान दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े और अपना फोकस सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक और राजनीतिक उत्थान में लगाए। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए SG सर का कुछ डिबेट भी देख लेते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें और हमारा सपोर्ट वीडियो को शेयर करके करें। तो आप सभी का आभार प्रकट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जय भीम सर। हाँ जी जय भीम, कैसे सर आप? जी बोल। हाँ जी ठीक है। काफी समय बाद सर बात हो रही है आपसे। मैं तो मतलब लाइव स्ट्रीम देख लेता हूँ जब समय मिलता है या फिर कभी फिर जो आपकी स्ट्रीम रहती है वो तो मैं देख ही लेता हूँ। लेकिन आज का जो टॉपिक है सर अविश्वास के ऊपर, तो उसी के रिलेटेड मैं थोड़ा बात करना चाह रहा था। जिनको जो अविश्वास जी है ना उनका जो मतलब हिंदूवाद के ऊपर में जो है ना सर, आप उसी के ऊपर में प्रहार किए हैं और मेरे कुछ है दोस्त जो जानते हैं उनको पर्सनली भी। आप हमेशा कहते हैं सर कि मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता हूँ, पॉलिटिक्स के जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे मैं बात मतलब उनकी बात नहीं करना चाहता हूँ या पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। अब भाई ये कहूँ मतलब खुशी से कहूँ या फिर किस चीज से कहूँ तो वो समझ में मुझे आ नहीं रहा है। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत में कई ऐसे छोटे भी नेता है और बड़े भी नेता है जो आपकी स्ट्रीम सुनते हैं सर, और ये बात सही है जी। लास्ट जो लोकसभा हुआ था इलेक्शन, उसमें भी कुछ मुद्दे जो उठे थे वो आपके ही जो आपने जो है ना सर, छोटे नेता बड़े नेता इनको डिबेट करना सिखाया है सर। अब कोई माने या ना माने बट जो मेरे पर्सनल रिलेशन में कुछ खास लोग हैं जो बताते हैं, बट ये सही है सर। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं पॉलिटिक्स से मतलब आप नहीं करते, वो तो अच्छी बात है, बट पॉलिटिशियन जो है वो बहुत सारे आपकी स्ट्रीम सुनते हैं। ये मुझे गर्व है इस बात का कि आम आदमी से लेके खास आदमी तक भी आप पहुंच गए हैं। ये मुझे मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगता है सर। मुझे जो फीडबैक आता है कहीं से, और आपने मतलब आम आदमी और खास आदमी VIP उनको भी डिबेट करना सिखा दिया है सर। और मुझे ये लगता है सर कि आगे चल के भविष्य में आपके चैनल के माध्यम से या आपके वाणी
जो आप डिबेट करना है लोगों को सिखा है, इससे काफी बड़ा परिवर्तन आएगा सर। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि आपने जो पढ़ा लिखा है उसको भी, और जो जो बंदा या जो उस मतलब लेवल पे नहीं पहुंच पाया लेकिन आपके स्ट्रीम देख के उसका खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डिबेट करने के लिए या नॉलेज जो है एशियन, वो आपने काफी बढ़ा दिया है, जिससे हम हमारे जैसे लोग या और भी लोग हैं वो डिबेट कर पाते हैं सर, और उनमें वो कॉन्फिडेंस आ गया है, उनको वो नॉलेज आ गया है। मैं आज का वो जी हाँ बोलिए जी सर, मैं एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि मुझे जो है इस बात का काफी मतलब मैं अपना गर्व कह सकता हूँ कि आपने जो लोगों में जो एक मतलब मशाल जो है लोगों के हाथ में दे दी है, वो सर तो बूझ नहीं सकती, और लोगों में आपने इतनी जागरूकता फैलाई है कि अगर आपका जो भी धन्यवाद कर मतलब किया जा सकता है जिस तरीके से भी, जिस लेवल पे भी, वो बहुत बड़ी चीज है सर। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि आपका ये हिस्ट्री में आगे चल के जब भी कभी अगर ऐसा कुछ हिस्ट्री बनेगी तो सर सब मतलब आज जो 20वीं सदी में या 19वीं सदी के जो भी आएगा उसमें आपका नाम स्वर्णमय अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसा मैं तो मानता हूँ सर। और शुक्रिया। अभी आप ये नहीं बोल सकते सर, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर प्लीज। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं मतलब आप पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेते, आपका जो चैनल का जो माध्यम है वो अलग है, बट आपको पॉलिटिशियन छोटे से लेकर बड़े तक सुन रहे हैं, ये मतलब पक्का है सर। और ऐसा कई सारे पॉइंट उठे भी है, अभी लोकसभा में भी उठा था, अभी विधानसभा में भी कई जगह मैंने अभी मैं देख रहा हूँ, वो आपकी कुछ कुछ चीजें जो है वो मॉडिफाई करके बता रहे हैं, बट उसमें साइंस जनरी की जो एक वो झलक दिखती है सर। अब आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं अब मैं दरअसल इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो मैं आपसे फीडबैक सुन रहा हूँ, तो इसमें मैं तो नहीं कुछ बोल सकता, मैं आप ही से फीडबैक ये सुन रहा हूँ जी। नहीं नहीं सर है सर, और मेरे कुछ खास दोस्त है जो इनके साथ में है, कुछ पीए है, कुछ अदर जो भी जिस लेवल पे है, बट सर साइंस जनरली देखते हैं सर वो लोग। अब आप इससे अछूते नहीं रहेगा सर। अब ये बात तो सही है, और आप कई कुछ नेताओं के कुछ जो रिसेंट में जो स्टेटमेंट आए हैं या जो भी आए हैं आप उसको सुन सकते हैं, और ऐसे कुछ अविश्वास लोग हैं उनको भी पता चल गया है कि भाई आगे जाके उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है सर। अब इनका जो वो मोटिव था एक हिंदुवाद वाला, उसके ऊपर काफी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग गया है सर। आप देश में ही खुद से हिंदू कहने से भाग रहे हैं ना अब? जी बिल्कुल सर, वो आपका ही देन है सर, ये आपका ही देन है सर, जो खुद से भाग रहा है ना एक समय में वो आप कहते हैं ना सर कि झंडा गाड़ के कहते थे, वो अभी नहीं कह पा रहे सर। वो जो चीज है सर वो आपसे दी हुई है, मतलब आपका जितना भी स्ट्रीम हुआ है जो भी है उनके ऊपर काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया सर। अभी मैं रिसेंट में एक कुछ चीजों में कई एक दो जगह सभाएं देखी थी जहाँ पे ये जब चीज उठी थी तो काफी लोगों ने उसके ऊपर में क्वेश्चन मार्क उठाया था। अभी धीरे धीरे जागरूकता जो है, अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 50%, बट ये मान सकता हूँ कि 35-40% लोग तो ऐसे है कि इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं सर। और आप अब एक्चुअली सर अब मैं वो चीजें तो नहीं मानता हूँ, बट मैं उनकी कहानियों को भी नहीं मानता हूँ, बट वो एक कहानी थी सर मैं जो पढ़ा था एक पहले कहीं, और किताबें पढ़ने की जो प्रेरणा मुझे आपसे ही मिली थी, और मैंने कई सारी किताबें पढ़ी है, उसमें मैंने एक वो ब्राह्मणवादी एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक रक्त बीज था सर। उसका वो होता है कि उसकी खून की बूंद जहां जहां गिरती है वो एक नया रक्त बीज पैदा होता है। मैं ये बोल सकता हूँ सर कि मतलब आप वो है कि आपने कई सारे रेशनल को आपने बनाया है, आपकी प्रेरणा लेके कई सारे रेशनल चैनल अभी बने हैं जो समाज को जागरूक कर रहे हैं, भले छोटे लेवल पे हो बड़े लेवल पे हो, बट सर थैंक यू सर, आपने एक जो नई नींव रखी है आप हमारा प्रेरणा स्रोत है सर, थैंक यू। शुक्रिया न्यू थिंकिंग जी। ओके आपने बहुत सारे खूबसूरत वर्ड्स यहाँ पे कहे हैं जो तारीफ में थे, पर कोई नहीं, आप शुक्रिया आपका। जय भीम सर, मैं डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र से कमलेश कुमार बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ जी बोलिए सर। मैं मतलब नमो बुद्धाय में मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ, जो मतलब गौतम बुद्ध जी हमारे हैं उनके जो सर पे जो मतलब घुंघराले हैं, ये चीज मतलब इनके मतलब एक कैसे हैं, क्यों हैं, किस कंडीशन से ऐसे हुआ है, थोड़ा इन्हीं के बारे में हमको जानकारी लेना है। अब देखिए उसमें ना बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है सर, उसी के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। हम भारतीयों का ना क्या आदत पड़ा दिया है हम लोगों को, चारों बगल तो ब्राह्मणवादी है, ब्राह्मणों का एजुकेशन सिस्टम है, वो हम लोगों को कभी भी ना कहाँ पे सोचना है कहाँ पे क्या करना है वो सिखाता ही नहीं है। हमेशा हम लोगों को
ऐसी चीज है वो सिखाएगा जो जिसका ना कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता है, जो गुणवत्ता वाली बात होती है वो नहीं आएगा। अब जैसे कमलेश जी, क्या आपको बुद्धिज्म की एजुकेशन पता है, उनकी शिक्षाएं पता है, उनके जो चार मुख्य ब्रांचेस थी वो क्या बताना चाहते थे, क्या एजुकेशन थे, ऐसे कभी क्वेश्चंस आए हैं आप पे कि व्यवहारिक क्या कहता है, शौतांत्रिक क्या कहता है, विज्ञानवाद क्या कहता है, शून्यवाद क्या कहता है, वज्रयान क्या शिक्षा देना चाहता है, ऐसे क्वेश्चन कभी आपके माइंड में आए हैं? सर माइंड में तो ऐसे क्वेश्चन सर वहां तक कभी तक नहीं पहुंच पाए हैं सर, लेकिन उसे जानने की जिज्ञासा तो हुआ है सर। लेकिन आपको आपके मन में क्या आया है, आपके मन में अभी कि बुद्धा उनकी पर्सनल लाइफ, उनके जो चित्र हैं उनको देखने की, मतलब अभी हम लोगों की जो थिंकिंग लेवल है वो बहुत ही फिजिकल लिमिटेड है, हम लोगों को इससे ना ऊपर उठना पड़ेगा, अब हम लोगों को ना थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। भाई ये सारे क्वेश्चन तो वही कहते हैं ना, जैसे कोई कह देगा कि देखो बुद्धा के ऊपर तो कहीं चांद बना हुआ है, उसका क्या मतलब है, बुद्धा के सर के ऊपर जो है एक चाइना वाले तो थोड़ा सा चूटी टाइप का ऊपर बना देते हैं, उसका क्या मतलब है, जो अफगानिस्तान वाले हैं वो तो सर के ऊपर जो है बाल को बांध देते हैं ऊपर, उसका क्या मतलब है। तो ये मतलब हर जगह बदलते जाता है ना, हर देश वाले अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, गंधार कला जो है वो उस तरह से बनाती है बाल को, शिल्प कला है ना, अलग अलग शिल्पीकार हैं, अलग अलग अपना उनका स्टाइल है बनाने का, कहानियां भी उनके साथ बहुत सारी हैं। कोई बोल देगा कि बैठे थे तपस्या कर रहे थे तो जो घोघा है ऊपर बैठ के सेल बना दिए थे, सब फर्जी कहानियां हैं, झूठी कहानियां हैं वो सब। लेकिन जो दूसरा उस पे कहानी जो आता है कि एक जो बूढ़ी माँ थी, उन्होंने कहा कि सब लोग के तो सर मुड़े हुए हैं, हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि बुद्धा कौन से हैं, तो हम आपके लिए एक कुशन बड़ा अच्छा सा बुने हुए हैं, ये अपने सर पर रख लीजिए कि जब चलेंगे तो हम लोग दूर से पहचान लेंगे आपको कि आप ही हैं, वो वाला ज्यादा ऑथेंटिक लगता है। अब बुद्धा जो है, कोई व्यक्ति बिना खाए पिए कितना दिन रह सकता है भाई, 8 दिन 9 दिन 10 दिन 12 दिन मैक्सिमम, 1 महीना बहुत कुछ हो गया। तो अब बताइए कि उतने देर में कितने सारे घोघे जो है सर पे ऊपर बैठ जाएंगे भाई, बैठ के वो बना लेंगे ऊपर, तो ये सब फर्जी कहानियां हैं। कोई भी व्यक्ति जो है एक बार बैठेगा कहीं पे भी, तपस्या करने बैठा, कहीं अपना मेडिटेशन कर रहा है, उठ के सुपोटी करने तो कहीं जाएगा ना, आभास होगा ना कि सर पे कुछ बैठा है तो गिर उड़ जाएगा, आप ही सोचिए ना। तो ये सब फर्जी कहानियां हैं, कोई भी आपको गपोड़ कुछ, आप हम लोगों को प्रैक्टिकली सोचना है ना, बुद्ध भी प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, वो भी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, तो हम लोगों को थोड़ा ऐतिहासिक ढंग से सोचने की आदत डालनी होगी। सब फर्जी कहानियों से कि उस पर क्या बैठा है, कौन आके बोल देगा कि नहीं उस पे ना वो कुछ सवाल बना हुआ है, वहां पे कहीं लिखा है, वहां पे सब फर्जी बातें हैं, बकवास बातें हैं, उखाड़ के फेंकी इन सब कहानियों को। हर व्यक्ति जो है, हाँ बोलिए। है क्या सर, जैसे कि लोग आज के अंधविश्वास में सब है कि गौतम बुद्ध इतना मतलब मेडिटेशन करते थे कि वो बैठे बैठे इनके सर पे मतलब जानवर चाहे और कुछ पाइला वगैरह इनके शरीर में पूरा बैठ जाते थे और कुछ अपने ही मग्न में रहते थे, तो इस टाइप के मतलब जानने की जिज्ञासा बहुत हुआ था। तो नंदलाल बोले कि एक हमारे सर हैं उनसे जुड़ाएंगे, पूरी आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो हमको ठीक है अच्छा, तो हम लोग जुड़ने के लिए प्रयास मतलब नेक्स्ट डे मतलब कर रहे थे, तो आज हम लोग के जोड़ा गया सर। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, वहाँ पे आपको ये याद रखना है ना कि क्वेश्चन का तरीका, देखिए कोई नेता होता है तो कई सारे पत्रकार होते हैं, वो बैठ के चाटुकारिता करते हैं, ऐसे ऐसे सवाल उससे पूछते हैं कि सर आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं। अब वही एक पत्रकार होता है कि सामने वाले का पसीना निकाल दे, नेता का भागने लगे नेता, समझ रहे ना, मतलब कहने का मतलब आपको क्वालिटी अब डेवलप करनी होगी ना। अब आपको बुद्धिज्म में उनके एजुकेशन, बुद्धा को लोग उनके सर पे बाल है कि सर पे उनके सवाल बैठा है, क्या बैठा है, उसके लिए थोड़े जानते हैं लोग, उनके एजुकेशन के कारण जानते हैं ना। विदेशों में आज जितने देश बुद्धिस्ट हैं वो इस पर तो ध्यान ही नहीं देता कि बुद्ध के सर के ऊपर क्या बैठा है क्या नहीं बैठा है, वो तो चोटी बना देगा, कुछ भी बना देगा, ऊपर मुकुट पहना देगा, वो उनके एजुकेशन की बात करते हैं। अब हम लोगों को, सारे बहुजन लोगों को ना, अपने क्वेश्चंस के दायरे बढ़ाने होंगे, इन फिजिकल अनावश्यक चीजों को हटाइए, इसका कोई मतलब नहीं है, जो मूल मुद्दे हैं, जो मूल क्वेश्चंस है, अब उसको खड़ा कीजिए, उसमें घुसिए, आपको कुछ जानकारी हाथ लगती है तो यहाँ आके शेयर कीजिए, ओपन मंच है ना, यहाँ हमने ओपन मंच रखा है कि बुद्धिज्म में जो कोई भी व्यक्ति पढ़ रहा है, इतनी सारी चीजें हैं,
पढ़िए, आपको कोई भी ऐसा पॉइंट लगता है तो 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का प्रेजेंटेशन बनाइए, कई बार अभ्यास कर लीजिए ताकि जब आप यहाँ पे आके प्रेजेंट करें तो वो ऐसा प्रेजेंटेशन धांसू हो कि हम उसको क्लिप काट के कहीं पे पब्लिश कर सके फिर से, उससे लोगों में भी मैसेज आए। जी के नाम से जो आता है, हेलो सर, एक क्वेश्चन था सर, जो गणेश जी हैं सर, जो गणेश जी लोग करते हैं तो ये तो बुद्धिज्म में सर, ये तो मतलब विनायक में, मतलब कैसे, मतलब ये थोड़ा लोग कहते हैं कि नहीं वो गणेश जी जो है वो मतलब बुद्धिज्म में है और कुछ। पर हम लोगों का ना स्ट्रीम हो चुका है, 3 स्ट्रीम हुआ है, प्लेलिस्ट भी बनाया है मैंने गणेश विनायका का, एक प्लेलिस्ट, उसका आप शुरू के प्रेजेंटेशन देखिएगा, उसमें जो है हमने पूरा ये सारी चीजें कवर की हुई हैं, पूरा सारा कंसेप्ट आपका गणेश विनायक का पूरा क्लियर हो जाएगा, उसको आप वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा उसके शुरू के, तो ब्लेस प्लेस और हमारा दोनों लोगों का वो है कोलेबोरेशन है। ठीक है फिर कमलेश जी, ओके जी सर हाँ ओके। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो भी जानकारी से भरपूर रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर आगे फॉरवर्ड करें, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, मिलते हैं एक और नए धमाकेदार जानकारी के साथ। नमो बुद्धाय।